संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार। राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे दिल्ली सेवा बिल। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पास कराने की तैयारी में सरकार। लोकसभा में विपक्ष मणिपुर हिंसा पर कर रहा पीएम के जवाब की मांग। मणिपुर हिंसा पर विपक्ष लगातार आक्रामक नजर आ रहा है। और बात करें दिल्ली सेवा बिल की तो लोकसभा में पास हो चुका है और अब आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। विपक्ष के हंगामे के बीच जो है बिल पेश किया जाएगा और इसी बीच लगातार विपक्ष मणिपुर हिंसा पर आक्रामक नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जवाब मांगा जा रहा है पीएम मोदी से। तो राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली सेवा बिल पेश करेंगे और ऐसे में अनुमान है कि राज्यसभा में भी बिल पास हो जाएगा। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में आज बिल को पास करने की तैयारी में जुटी है सरकार। तो वहीं लोकसभा में विपक्ष मणिपुर हिंसा पर पीएम से जवाब मांग रहा है। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली सेवा बिल जहां लोकसभा में पास हो चुका है वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह बिल को राज्यसभा में पेश करेंगे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए दिल्ली सेवा बिल को लेकर के विपक्ष बहुत ही आक्रामक है। लोकसभा में तो यह बिल पास हो गया है लेकिन राज्यसभा में जब आज अमित शाह पेश करेंगे उस दौरान विपक्ष पूरी तरह से हंगामा करने के मूड में है। विपक्ष के जो सांसद है वो लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका सीधे तौर से कहना है कि जब अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है तो सरकार को पहले उस पर चर्चा करनी चाहिए थी, उसके बाद किसी बिल को पेश करना चाहिए था। हालांकि देखा जाए तो अभी देखिए लोकसभा में मणिपुर हिंसा का मामला भी बना हुआ है। विपक्ष लगातार लोकसभा में मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा है। विपक्ष के सांसदों का कहना है कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री जवाब दे, दोनों सदनों में जवाब दे, लेकिन गृह मंत्री इस पर जवाब देंगे लगातार सत्ता पक्ष से कहा जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज जिस तरह से अभी सुबह से स्टेटमेंट आ रहे हैं सांसदों के, तो कहा जा सकता है कि आज भी जो है हंगामा हो सकता है। विपक्ष की तरफ से लगातार विपक्ष चाहे दिल्ली सेवा बिल हो या अविश्वास प्रस्ताव हो या मणिपुर हिंसा हो, इस पर लेकर विपक्ष बहुत ही आक्रामक है जी। क्योंकि देखिए राजीव, लगातार जो है विपक्ष जब से सदन शुरू हुआ है तब से यही मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आकर मणिपुर हिंसा को लेकर जवाब दें और ऐसे में आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं पूरी तरह से। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, जो मानसून सत्र शुरू हुआ है तभी से लगातार विपक्ष मणिपुर हिंसा को एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। यह सही तरह से देखा जाए तो यह पूरा मामला पिछला जो सत्र था उसी तरह का है कि देखिए लगातार सत्ता पक्ष से कहा जा रहा था कि राहुल गांधी विदेश जाके गलत बयान दिए, माफी मांगे, अडानी मामले पर प्रधानमंत्री से लोग जवाब मांग रहे थे, तो वही पूरा मामला चल रहा है। इधर मणिपुर हिंसा मामला आ गया विपक्ष क्योंकि इसको बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है। सामने देखिए चुनाव है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है और इसको लेके विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है। दिल्ली सेवा बिल की जहां तक बात है, देखिए दिल्ली सेवा बिल पर लगातार लोकसभा में हंगामा रहा लेकिन यहाँ पे जो है संख्या बल अधिक होने की वजह से पास कराने में जो है सरकार को कोई दिक्कत नहीं आई। लगातार दिल्ली सेवा बिल को लेकर के विपक्ष और आम आदमी पार्टी के जो सांसद है पूरी विरोध में जुटे हुए हैं जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार हैं। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो चुका है तो वहीं आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश करेंगे और इस बीच लगातार मणिपुर मुद्दे पर जो है सरकार को घेरने की तैयारी में यहाँ विपक्ष भी नजर आ रहा है। ऐसे में हंगामा भरपूर देखने को मिल सकता है आज भी कार्यवाही के दौरान।